गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग ऑफ कुल्लू दशहरा। अभी नीचे आया हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पर ब्रेकफास्ट का है तो मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। ये घर काफ़ी अच्छा है, छोटा सा और प्यारा सा। ब्रेकफास्ट करके फिर मैं यहाँ से प्रीति के पास जाऊँगा। प्रीति को उठा के बन देन हम लोग सोच रहे हैं मनाली की तरफ जाएंगे। अभी कुछ प्लान हमने नहीं किया है, हम लोग कहीं ना कहीं घूमेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। मे बी प्रीति मेरे साथ वापस दिल्ली जाएगी तो इसलिए मैं कल तक रुकूंगा। तो आज रात को मैं प्रीति के घर पे रुक रहा हूँ, जो उनका नया घर बना है। वो घर भी काफ़ी अच्छा बना है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो मिलते हैं ब्लॉग में आगे। धूप बार बार आ जाती है मुँह पे। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था और मुझे नील भाई मिले। हाय गाइस, दिस इज नीलशा फ्रॉम मुंबई। और ये मुंबई से हैं और ये सोलो ट्रिप पे निकले। अभी आप कहाँ कहाँ से होकर आए हैं? मैं आई फर्स्ट वेंट टू धर्मशाला, देन मैक्लोडगंज, देन बीर बिलिंग, देन हियर कुल्लू, एंड देन आई एम गोना बी एट मनाली। उसके बाद मैं जाऊंगा तीर्थल, अरे बस कर भाई, जीबी वैली, एंड देन बैक टू मुंबई। मैं पीछे चल रहा हूँ अभी बहुत। कोई बात नहीं ब्रो, अच्छा लगा आपसे मिलके। नाइस मीटिंग यू, बाय बाय बाय। नहा धो के रेडी हो गया, चेकआउट कर दिया मैंने होटल से। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ प्रीति के पास, देन वहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। अभी वीडियो भी अपलोडिंग पे लगा रखा है लेकिन वो हो नहीं रहा है। अभी 10 GB का फाइल है और बहुत स्लो स्लो हो रहा है। यहाँ कहीं वाईफाई भी अवेलेबल है नहीं। निकलता हूँ यहाँ से। ये पीके वाला हेलमेट पहन के मैं पीछे बैठा हुआ और प्रीति अभी स्कूटी चला रही है। मुँह अजीब सा है इसका। पता नहीं क्या बोल रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मनाली की तरफ और मनाली में हम लोग करने वाले पैराग्लाइडिंग, वो भी फ्री फ्री। सोलांग वैली पहुंच गए हैं। अभी अभी मोमोज खाया और ये रहा सोलांग वैली और ये आंटी हैं, इनसे अभी मोमोज खाया। अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। इसे लग रहा था फ़ोटो खींच रहा हूँ लेकिन ये वीडियो था। अभी यहाँ काउंटर के पास वेट कर रहे हैं तो कोई फ्रेंड है एक, वो आ रहे हैं, गबरू नाम है उनका। तो गबरू जी आ रहे हैं, गबरू के साथ मैं उड़ूँगा। अब शॉर्ट वाला करते हैं, बड़ा वाला करते हैं वो देखते हैं। आने मौसम भी ख़राब हो रहा है, बादल काफ़ी घने घने बादल आ रहे हैं, हल्की हल्की बूंदे पड़ रही हैं। अभी हम रोप वे से ऊपर जा रहे हैं। ये रोप वे है, इस रोप वे से ऊपर जा रहे हैं। तो मैं हाई वाली फ्लाई कर रहा हूँ और मेरे साथ हैं अभी गबरू भाई। हेलो ब्रो, ये हमारे पायलट हैं और अभी इनके साथ हवा में उड़ेंगे। आपने भागना है मेरे साथ, ठीक है ना? देखो हाँ जी भाई, यहाँ से ऊपर जाएंगे फिर आपको व्यू दिखाता हूँ। ऊपर आ गए, डर बहुत लग रहा है। अभी ज्यादा नहीं लग रहा है, कह रहा हूँ अभी नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, लेकिन अभी लगेगा। भाई सुसु भी आई है, मेरी सुसु निकलने वाली है टेक ऑफ के बाद, वरना नीचे वालों पे असर आएगा सुसु का। तो हम जा रहे हैं टेक ऑफ करने। भाई ने पूरा सामान उठा रखा है। भाई हेल्प कर दूं? अच्छा तेज भागना थोड़ा, ठीक है।
नीचे तक और ये प्रीति आ रही है नीचे पैराग्लाइडिंग कर लिया हम दोनों ने, प्रीति ने भी किया, मैंने भी किया। बाय बाय करते हैं सोलांग वैली को। काफी मजा आया मुझे यहाँ से, रोपवे का पैसा लगा बस, यहाँ से रोपवे किया तो बस मुझे रोपवे का मेरा और पायलट का देना पड़ा। वो ऊंचाई तक गया मैं, एक मिनट, हाँ वो ऊंचाई तक गया मैं, देन वहां से फिर वो उछल कूद के फिर गोल गोल गोल, ये शॉर्ट वाला है, वहाँ ऊंचा वाला है उस पहाड़ी के पीछे, फिर बिल्कुल गोल घूम यहाँ पे लाके छोड़ा। एक्चुअली जो पैराग्लाइडिंग करवाते हैं वो हमारे फ्रेंड हैं, तो इसलिए हमें कोई पैराग्लाइडिंग का चार्ज नहीं देना पड़ा, वो फ्री में ही हुआ है। तो थैंक यू सो मच वंशु और गबरू को, वेरी वेरी थैंकफुल, वेरी वेरी थैंकफुल वंशु और गबरू को, बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस करवाया। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मनाली, फिर वहाँ पे कुछ माल रोड घूमेंगे, थोड़ा सा खाएंगे पियेंगे फिर निकलेंगे। लेकिन गबरू ने भाई बहुत डराया मुझे, आप लोग वीडियो में देखना, बहुत ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा।